हेलो गाइस, तो कैसे हैं? तो अपन आज आए हुए हैं, देख सकते हैं ये वाली गुल्लू फॉल। अगर आप लोग आए हुए हैं तो जान जाएंगे यहाँ का। ये जो गुल्लू फॉल की जो ये मेन कहानी है वो यहाँ की है, और ये सुरंग जो है गुल्लू फॉल से बेने डैम होकर निकलती है सुरंग। तो इस साइड में देखते हैं ये वाली जो ऐसे तीन खंड दिख रहे हैं ना, वो वाली सुरंग की गेट है और यहाँ से खुलती है। और ये पानी और एक कार भी चले जाती है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो ये डायरेक्ट बेने डैम में जाके निकलती है सुरंग। तो बेने डैम का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ देख सकते हैं गेट वेट लगा हुआ है। सुरंग यही पे है ना? सुरंग यही से जाता है ना? सुरंग कहाँ से यहाँ कहाँ तक है? अच्छा, यहाँ से ना। अच्छा, हाँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गुल्लू फॉल है, और यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे एक सुरंग है, जो कि एक सुरंग यहाँ से देख सकते हैं ये वाली, ये गेट है उसका, अभी गेट लगा हुआ है। और ये जो सुरंग है ये वहाँ वहाँ जाके गिरती है पानी इसका, ये क्या बोलते हैं उसको, बेने डैम में वहाँ जाके। तो यहाँ से लगभग दूरी होगा 20 किलोमीटर की दूरी में होगा, 20 से 30 किलोमीटर की दूरी। तो इधर से डायरेक्ट पानी वहाँ जाके गिरती है। और ये वाले देख सकते हैं ये डैम वाली का गेट है, जो कि यहाँ से जो है पानी उधर निकालने का रास्ता है ये वाली। तो ये ब्लू फॉल में कुछ ऐसा है। जी, पानी पी लेता चलो वाला। पानी पी लीजिए। तो यहाँ के खास जो बोले जाते हैं वो वही है सुरंग। और यहाँ देख सकते हैं ये सब गेट है, पानी वानी भरा है बहुत, ये गेट ऊपर खुलती है और पानी को नीचे छोड़ा जाता है। ये ईब नदी है जिसको बनाए हैं डैम यहाँ पे। तो ईब नदी जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी माना जाता है इसको, ईब नदी को। और यहाँ से देख सकते हैं ये सब सब जो है गेट खोलने का ये मशीन है। तो यहाँ पे एक रेस्ट हाउस है, और उसके बाद में इधर कुछ ऐसा सीन है। तो देख सकते हैं यहाँ का सीन कितना मस्त लग रहा है। तो बस यहाँ का यही सीन है। तो वीडियो कैसे लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कुछ नया वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।